मुंबई सेक्टर 6 वार्ड 61 स्थित उद्यान का रखरखाव के अभाव में काफी बुरा हाल है। लोगों ने कहा कि पहले इस उद्यान का लोग मॉर्निंग वॉक के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब नहीं। वार्ड 61 में बनाया गया ये उद्यान पहले काफी सुंदर हुआ करता था, लेकिन जैसे कि विदित है, अक्सर निगम उद्यान निर्माण कर उसका रखरखाव करना भूल ही जाता है। इस उद्यान का भी यही हाल हुआ। रखरखाव के अभाव में ये उद्यान बद से बदतर होने की हालत में आ चुका है। उद्यान में लगाए गए बिजली के खंभों में चोरों ने सेंध मार ली है। वहीं असामाजिक तत्वों का जमाड़ा भी यहाँ पर लगातार देखा जा सकता है, जिस वजह से लोगों ने प्रकाश व्यवस्था के साथ साथ इसके सौंदर्यीकरण की मांग रखी है। ये इसका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है, और इसमें देखिए अब तक देख रहे हैं ये सब झाड़ियाँ उगी हुई है, और ये जितने लगे हुए हैं ये आपका बिजली का खंभा, उसमें बल्ब बिजली चोरी हो जा रहा है। कोई ध्यान नहीं है इस पर, इसके ऊपर। और हमारे भावी पार्षद हैं अभी, जो अभी जीते हैं कांग्रेस के, उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी जीत कर उनको भेजा गया है यहाँ से, और कुछ विकास करें यहाँ। 150 आदमी तो आराम से इसमें बैठ सकते हैं, और पहले था इसमें विकास, लेकिन अभी रुक गया है। अभी कोई का ध्यान नहीं है, और मेंटेनेंस में भी कोई ध्यान अभी नहीं दे रहे हैं। अब वही सोच रहे हैं कि भाई यहाँ का कॉलोनी का विकास हो, सही ढंग से विकास हो। नहीं, उतना नहीं होता है, कभी कभी बीच में हल्का फुल्का सर सफाई हो गया। लाइट का वही अभी पूर्ण रूप में है नहीं, बीच में एक आध खंभे पर मतलब कि बल्ब जल रहा है अभी, वो सब कुछ मतलब कि इसका ये विकास उतना भी नहीं हो रहा है। हर का विकास हो कि मतलब कि सारे बड़े बुजुर्ग बच्चे मतलब कि कुछ बैठें खेलें, कुछ मतलब करें। चोरी तो नहीं, लेकिन टूट फाट मतलब कि गया है, उसका मतलब कि कोई अभी इसका ये नहीं है। इसका मतलब कि विकास हो, इसमें मतलब कि अच्छा से मतलब कि तौर तरीका से फूल पत्ती वगैरह बैठने बैठने का व्यवस्था हो। ठीक। वहीं इस उद्यान के संधारण के लिए नवनिर्वाचित युवा पार्षद सेवन ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस उद्यान का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, साथ ही यहां युवाओं के लिए ओपन जिम की व्यवस्था की जाने की बातें भी उसने कही। एक जिम्मेदारी मेरी बनी है कि इस पार्क को और अच्छा सौंदर्यीकरण किया जाए, और यहाँ पर मांग रही है कि इस पार्क में जो है ना, आगे जो है बहुत अच्छी सुविधाएं इसमें देना चाह रहा हूँ, जिसमें जैसे यहाँ पर आपका बास्केटबॉल है ना कोर्ट का लगने का है, और यहाँ पर जो फाउंटेन जो टूट गया है आप देख सकते हो वहाँ पे, उसको भी संधारण करना है, और भी सौंदर्यीकरण यहाँ पर झूले लगना है, और यहाँ पर आगे चल के इनकी मांग रही है कि जिम का सेट लगवाना है, तो उस चीज़ के लिए मैं आगे बात बढ़ाया हूँ, और वो चीज़ जल्द से जल्द यहाँ पर हो जाएगा, बहुत जल्द करवा दूंगा मैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।